हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म सोशल टेस्ट में। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। 11 स्टॉक में लेके आया हूँ, काफ़ी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन गई थी, लेकिन उनमें से मैंने 11 स्टॉक को चुने हैं। बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक का बड़ा प्राइस भी ना हो, क्योंकि हमें क्वांटिटी पे फोकस करना है। और कोई ऐसी भी कंपनी ना हो कि जिसकी सेल्स या फिर जो उसका स्टॉक प्राइस है वो भी ना बढ़ता हो, उसका प्रीमियम, तो पूरा फोकस किया गया है। तो जो थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा ही बन जाए तो आप चिंतित मत होइएगा। दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, या फिर अगर आपका डीमैट अकाउंट है और आप अपने ब्रोकर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप यहाँ पे फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी कुछ घंटों में। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली चीज डिविडेंड क्या है। डिविडेंड है कंपनियों द्वारा जो उनका मुनाफा होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स, अपने निवेशकों के साथ बांटती है। अब वो कितना प्रतिशत बांटती हैं ये उनका बोर्ड मेंबर, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जब उनकी मीटिंग होती है कि साल में कितनी बारी बांटना है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, या हर क्वार्टर में भी देती हैं कुछ कंपनियां, तो इस तरीके से अपने निवेशकों को डिविडेंड पे करती। तो शुरुआत करते हैं। तो आप समझ गए कि डिविडेंड क्या है। डिविडेंड जो एक नाम दिया गया है, लाभांश जो कंपनी अपने निवेशकों के साथ शेयर करती है। दूसरा, डिविडेंड कैसे मिलता है। देखिए, डिविडेंड का जो रेशियो होता है, जिस प्रकार से वो बांटती हैं, वो फेस वैल्यू के हिसाब से बांटती हैं। उदाहरण के लिए मैंने रेक का यहाँ पे एग्जांपल लगा लिया है। देखिए, इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये पर शेयर की। फेस वैल्यू क्या होती है, जब कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, जब आईपीओ इशू करती है, तो पर शेयर के हिसाब से जनरली आजकल तो यही हो रहा है, जो कि पिछले कई मैंने लिस्ट कंपनियाँ देखी तो उनकी फेस वैल्यू 10 के आसपास ही रखते हैं। तो 10 रुपये फेस वैल्यू रखते हैं, बाकी की जो प्राइस होता है वो प्रीमियम होता है, और वो जब लिस्ट हो जाती है तो वो घटती बढ़ती रहती है, इस प्रकार से बाजार में भाव लगता है। लेकिन फेस वैल्यू जो है 10 रुपये अगर उन्होंने लेके आए हैं, इसके बाद भविष्य में अगर उन्होंने चाहा तो वो स्प्लिट भी हो जाती है। तो जितनी बारी स्प्लिट होगी, या 10 से 5 पे जाती है तो 2 बारी भी भाजित हो जाएंगे, उसी प्रकार से शेयर का प्राइस भी टूट जाता है, वो करेक्ट हो जाता है। और मान लीजिए 10 से 1 की फेस वैल्यू पे चले गए तो उस समय भी जो है 10 टुकड़े हो जाते हैं शेयर्स के, बाकी वैल्यू वगैरह कंपनी की वही रहती है, सिर्फ शेयर के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब स्प्लिट हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी, आप सोच रहे होंगे कि डिविडेंड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 110% किसी कंपनी ने डिविडेंड पे किया, तो 110% का मतलब ये नहीं कि कंपनी ने जो मुनाफा कमाया है उस हिसाब से दिया, नहीं, या फिर जो स्टॉक प्राइस है उस हिसाब से दिया, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, फेस वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें, मान लीजिए कि कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड दिया और कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो 100 रुपये है, तो वो हो जाएगा, अगर उसकी फेस वैल्यू है 1 रुपये की, तो वो हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे 10 रुपये की फेस वैल्यू है और डिविडेंड इन्होंने पे किया है 110 रुपये का, तो ये जो है बनेगा 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, समझ गए आप। तो फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड पे होता है, तो ये जो परसेंटेज है आप समझ गए होंगे। तो डिविडेंड यील्ड जो निकल के आता है वो वर्तमान जो प्राइस है 91, तो वो निकल के आ रहा है 12.09। डिविडेंड पे हमें फोकस करते हुए क्यों निवेश करना चाहिए, इसमें कोई भी निवेश कर सकता है, और लंबे समय के लिए आप निवेशित रहेंगे तो इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं, आप विद्यार्थी, यू आर स्टूडेंट, तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि मान लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो में अपने आप जो डीमैट अकाउंट है उसमें 20 स्टॉक आपने चुने, उन 20 स्टॉक्स में आपने अलग अलग प्रकार की, अलग अलग सेक्टर की ऐसी कंपनियां चुनी जो बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे आउट करती हैं, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर छोटी प्राइस का स्टॉक है या किसी कारणवश जैसे इस समय बहुत गिरावट हो रही है या हो गई है ऑलरेडी, तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनके जो स्टॉक प्राइस है बहुत कम भाव में मिल रहे हैं, तो ऐसे में फोकस करना चाहिए, धीरे धीरे क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएं,
फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके पास हजारों क्वांटिटी हो जाती है प्रत्येक स्टॉक की। डिपेंड है कि वो कितनी प्राइस का है। मान लीजिए बड़ी प्राइस का है तो उतनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप बड़ी छोटी का भेदभाव न करते हुए अगर आप बड़ी प्राइस का भी स्टॉक चुनते हैं तो भविष्य में, क्योंकि बड़ा कभी होता है, कुछ कंपनियाँ होती हैं लगातार कमाती हैं, लेकिन अगर वो स्प्लिट नहीं होती, अगर वो बोनस नहीं देती, अगर वो और किसी प्रकार के ऐसे ऑफर्स नहीं लाती हैं, तो क्या होता है, उनका जो मुनाफा होता है इतना अधिक होता जाता है, अर्निंग पर शेयर स्ट्रांग होता जाता है, तो वो बड़ा प्राइस हो जाता है। जैसे बजाज फाइनेंस का उदाहरण लीजिए, हालांकि वो कई बार स्प्लिट हो चुकी है, बोनस भी दिया होगा, तो जो कंपनियां हैं लगातार जो कमाती जाती हैं, जो उनकी कमाई अच्छी होती है, वो भविष्य में चल के अब उनको लगता है कि जो हमारा स्टॉक का प्राइस है बहुत बड़ा हो गया है, तो बहुत सारी ट्रेडिंग नहीं होती, क्योंकि छोटे निवेशक जो रिटेल निवेशक होते हैं वो बड़ी प्राइस के स्टॉक की तरफ कम आकर्षित होते हैं। इस वजह से जो है कंपनियां, अगर उनकी फेस वैल्यू 10 की है तो उसी के हिसाब से वो 5 कर लेती हैं, या 10 से 2 कर लेती हैं, या 10 से 1 भी आ जाती हैं। अभी हाल ही में सितंबर में HDFC बैंक की फेस वैल्यू 2 की रह गई थी और उन्होंने फिर से स्प्लिट किया था। आपको याद हो कि 2500 के आसपास उसका प्राइस चल रहा था, फिर वो जब उन्होंने स्प्लिट किया था तो 1200-1300 के आसपास भी प्राइस जो है हो गया था। तो इस तरीके से समय समय पर जिनका बड़ा प्राइस हो जाता है स्टॉक का, वो अपने आप को स्प्लिट के माध्यम से या बोनस दे के जो है आधा कर लेती हैं, या जिस रेशियो में वो स्प्लिट होता है। ठीक है, अब सीधे चलते हैं कि उन 11 कंपनियों में और किस कंपनी ने कितना पर शेयर के हिसाब से जो है आपको डिविडेंड पे किया। बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड पे करती हैं, अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, मोस्टली उसमें PSU की जो गवर्नमेंट की कंपनियां होती, तो मिली जुली कंपनियों को मैंने चुना है ताकि आप जो भी आपकी मर्जी हो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए 11 कंपनियों की लिस्ट मैंने बनाई है। और देखिए, कंपनियां तो बहुत सारी लिस्टेड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन को ना रखते हुए मुझे जो लगा, पहले भी मैंने डिविडेंड पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन समय समय पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस ना दिया हो, हो सकता है कि भविष्य में आकर कुछ कंपनियां बंद हो जाए, तो इस तरीके से अलग सेक्टर्स की, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कंपनियों को जो है सम्मिलित किया है। और सबसे बड़ी बात, कंपनियां जो डिविडेंड पे करती हैं उन्हीं को आप अपने खर्चे का ज़रिया बनाइए, उन्हीं को फिर से आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी खड़ी कर दीजिए, मान लीजिए कि आप विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है या फिर जो आप पार्ट टाइम जॉब करके भी कमाते हैं, नहीं करते तो करिए, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को जो है अच्छे से सिक्योर कर सकें। उसका रीज़न ये है कि शेयर मार्केट सिर्फ बहुत लोग जानते हैं कि जुआ है, नहीं, शेयर मार्केट्स में अलग अलग तरीके से जो है कमाया जा सकता है, सुरक्षित तरीके से भी। देखिए, बहुत लोगों को सिर्फ इतना ही पता है हमारे भारत देश में कि फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, उसका जो है 6-7% का जो है साल का मिल जाता है, वही एक है जो सुरक्षित तरीका। लेकिन अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हुए, मान लीजिए कि जो कंपनियों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ये इनका पास्ट का अच्छा रहा रिकॉर्ड जो डिविडेंड पे करती हैं, भविष्य में भी पे करती रहेंगी, मान लीजिए 2-3 कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप अपने लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, उस समय जो अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ उनको फिर से आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेनली फोकस होना चाहिए इन कंपनियों में कि स्टॉक प्राइस पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, आप उनके सेल्स पे ध्यान दीजिए, आप उनके प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए और डिविडेंड पे, क्योंकि आपको डिविडेंड पे फोकस करना है। भले छोटी प्राइस का हो तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने का मौका मिलेगा, प्लस अगर वो कंपनियां भविष्य में स्प्लिट या बोनस देती हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी। मान लीजिए उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने आपको 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया, मान लीजिए यही आप REC रेक लिमिटेड ने, मान लीजिए आपको 11 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्होंने जो है डिविडेंड पे किया, इसका प्राइस है 91 रुपये। अब किसी तरीके से आपने धीरे धीरे इसकी जो है 2000 क्वांटिटी खड़ी कर ली, तो 1000 पे आपको तो कितने रुपए आ गए, 11000, तो इसी तरीके से 2000 पे 22000 रुपये आ गए आपको डिविडेंड के रूप में सिर्फ, है ना। तो एक साथ तो आप खरीद नहीं सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जितनी भी कंपनियां हैं अच्छी डिविडेंड पे करती हैं उनको धीरे धीरे आप भरते जाएं अपने पोर्टफोलियो में रखें, अपने वॉच लिस्ट में रखें, धीरे धीरे जो है आप उनको भरते जाएं। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी 5-10 सालों में खड़ी कर दीजिए, 15 सालों में आप खड़ी कर दीजिए, कि आप 40 साल के बाद जो है अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम
आपको मिल जाए, आप स्वतंत्र हो जाएं कि आपको पैसे किसी प्रकार की चिंता ही नहीं, हर महीने कोई ना कोई कंपनी आपके खाते में डिविडेंड डाल रही है और आपका उसी से खर्चा चल रहा है, आपकी उसी से कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं कीजिए। बहुत लंबा इतिहास, मैंने एक वीडियो बनाया था कि हम अरबपति कैसे बने, उसमें मैंने उदाहरण लिया था विप्रो का, काफ़ी दिन पहले बनाया था, उसका मैं लिंक भी आपको यहाँ पे कार्ड पे दे देता हूँ, आप देखिएगा तो आपको महसूस होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो न खींचते हुए चलिए, मैं लिस्ट तैयार की है जो मैंने, उन पे मैं चर्चा करता हूँ। पहला जो स्टॉक ले रहे हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बढ़िया कंपनी है। देखिए इसकी जो मार्केट कैप है 23,061 करोड़ की है, करंट प्राइस 87 का। देखिए प्राइस जो है ना ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि मार्केट खुली हुई है ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हो सकता है 2-3 रुपये ऊपर चले जाए, 2-3 रुपये नीचे चले जाए, इसलिए सारे स्टॉक का ऐसा समझिएगा। बुक वैल्यू 191 रुपये, तो मतलब बुक वैल्यू से कितने नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इसकी जो है 9.83%, रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी बढ़िया है 22.82%, और सेल्स ग्रोथ इसकी 24% की है, और 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला है स्टॉक, और इसने जो है आपको दिया है 9.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक हम लेते हैं REC रेक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और इसकी मार्केट कैप 18,000 करोड़ की, प्राइस जो है 91 रुपये का, बुक वैल्यू 174 रुपये, तो बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर, बुक वैल्यू है दरअसल कंपनी की जो टोटल वैल्यू है, और उस टोटल वैल्यू मान लीजिए आप टोटल वैल्यू जो भी है और जितने भी शेयर्स हैं उन पे अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो बुक वैल्यू निकल के आती है पर शेयर 174 रुपये, और जो प्राइस है 91 रुपये, यानी कि बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा प्राइस, इस वजह से थोड़ा सा आकर्षक है, सस्ता लग रहा है। इसका ROE है 17% और डिविडेंड यील्ड है इसका 12% से ज़्यादा का। सोचिए 12% ये आपको जो है इस वर्ष सिर्फ डिविडेंड पे किया है, फिक्स डिपॉजिट का एक तरीके से देखा जाए तो डबल है ये, है ना, तो बढ़िया कंपनी है। इसने दिया था 11 रुपये का डिविडेंड, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी हम ले रहे हैं कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है, हम मार्केट कैप और प्राइस वगैरह नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं डिविडेंड को फोकस करते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। डिविडेंड यील्ड है इसका मतलब 10% से ज़्यादा, और इसने 13.10 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड पे किया है। नेक्स्ट स्टॉक है जिसको हम ले रहे हैं PGHL प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, 440 रुपये पर शेयर के हिसाब से 10% डिविडेंड यील्ड दिया है। हेल्थ प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, ये है कि आपको विटामिन्स वगैरह, ये बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी है, पहले मर्क हुआ करती थी, है ना, मर्क लिमिटेड इन इंगेज इन मैनुफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और बढ़िया डिविडेंड पे करती है। देखिए जमुना ऑटो को हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ऑटो एंसिलरीज की एक छोटी प्राइस का अच्छा स्टॉक है और रेगुलर डिविडेंड पे करता है। इसका डिविडेंड यील्ड जो निकल के आ रहा है 3.90%, मतलब 95 पैसे पर शेयर के हिसाब से उन्होंने डिविडेंड यील्ड पे किया है, जो वर्तमान स्टॉक प्राइस है 24 रुपये के आसपास। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 48% से ज़्यादा का है। सोचिए कि जो इनकी मुनाफा आ रहा है और उसको फिर से अगर वो अपने व्यवसाय में लगाते हैं, उससे जो रिटर्न आ रहा है वो कितना ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी पर शेयर जो प्रतिशत है 29.43% का, सेल्स ग्रोथ 19% का है। अभी तो कामकाज बंद है लेकिन आने वाले समय जब भी ऑटोज के अच्छे दिन आएंगे तो एंसिलरीज के भी अच्छे दिन आ जाएंगे, इनकी डिमांड हालांकि बनी रहती है, है ना। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मन इंफ्रा, ये मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस या मॉल्स सारी चीज़ें बनाते रहते हैं टाइमली, इनके बहुत अच्छी रेपुटेशन है। इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.22% है, बढ़िया और रेगुलर पे कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, रियल इस्टेट की कंपनी मुझे अच्छी लगती है, कंस्ट्रक्शन का काम है इनका, तो इसको भी सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि कोशिश ये की गई कि अलग अलग सेक्टर्स के हों, अपने अपने सेक्टर्स में जो अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम ले रहे हैं
वेदांता, एल्युमिनियम का, आयरन का, ये सारा कॉपर कमर्शियल माइनिंग का काम है बेसिकली। देखिए यहाँ पे स्टॉक प्राइस या फिर रिटर्न वाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिविडेंड को फोकस करते हुए। तो ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी कंपनियाँ भी हैं जो हो सकता है कि कुछ स्टॉक प्राइस में आपको उतना ज़बरदस्त फ़ायदा ना मिले, या बहुत ज़्यादा गिरावट हो, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए। हालांकि कर्ज़ा काफ़ी है, लेकिन क्या है कि जब तक डिविडेंड दे रही हैं और छोटी प्राइस का है, तो मुझे लगता है कि इनको कंसीडर करना चाहिए और डिविडेंड पे हमें फोकस करना चाहिए भविष्य में, क्योंकि बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है ये वेदांता, और इसका जो डिविडेंड यील्ड है 24% के आसपास है। बुक वैल्यू 177, बुक वैल्यू से कितने नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.20, रिटर्न ऑन इक्विटी है 10% से ज़्यादा की, और सेल्स ग्रोथ है 12.73%, ठीक है, ₹1 की फेस वैल्यू के हिसाब से। इसके बाद HPCL ने दिया है 7.91% का जो है डिविडेंड, और ऑयल कंपनी इसमें बताने की मुझे कोई आवश्यकता तो है नहीं, और HPCL ने 15.90 रुपये पर शेयर के हिसाब से जो है डिविडेंड पे किया है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट ले रहे हैं BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL ने 5.77% का डिविडेंड यील्ड पे किया है, यानी ₹19 पर शेयर के हिसाब से। ऑयल की तीनों कंपनियां अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, इसने भी 12.21% का डिविडेंड यील्ड है, यानी कि इसने जो दिया है ₹9.25 पर शेयर के हिसाब से, ₹75 तो इसकी स्टॉक प्राइस इस समय चल रही है, और बुक वैल्यू 119। तो काफ़ी कुछ शेयर्स हैं, कुछ कंपनियां हैं जिनके स्टॉक काफ़ी अपने अंडर वैल्यूड हैं, और हमें फोकस करना है अभी सिर्फ उनके डिविडेंड पे। तो ये ऐसे स्टॉक मैं चुन के लाया हूं, और नेक्स्ट स्टॉक हम ले रहे हैं एसाब इंडिया, ESAB इंडिया, वेल्डिंग वगैरह काम है इनका, बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े जो है पूरा कटिंग का काम करते हैं, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी में है। इसका डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 8.41%, और रिटर्न ऑन कैपिटल 12.25%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17, सेल्स ग्रोथ है 14% के आसपास, और ₹10 की फेस वैल्यू वाला है। तो इसने जो है दिया है ₹90 पर शेयर, इसका जो है स्टॉक प्राइस है ₹1,070, बुक वैल्यू है 196, तो ₹90 पर शेयर के हिसाब से बढ़िया डिविडेंड पे किया है, तो ये भी एक आकर्षक लगता है। प्राइस थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स की बड़ी है, जैसे कि PGHL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड की, और एसाब इंडिया की, बट देखा जाए तो जो उनका डिविडेंड है बहुत अच्छा, और उनकी फेस वैल्यू भी 10 की है, तो भविष्य में कभी स्प्लिट हुए या फिर उन्होंने बोनस दिया तो उसका भी लाभ मिलेगा, आपके शेयर्स कई शेयर्स में तब्दील हो जाएंगे। तो ये 11 स्टॉक्स जो है बेहतरीन डिविडेंड पे करते हैं। आप लोगों के सुझाव भी, हालांकि 11 स्टॉक के बाद आप लोगों के सुझाव आते ही आते हैं मेरे कमेंट्स में कि सर इस कंपनी को छोड़ दिया। देखिए बहुत सारी कंपनियों को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो 50 हो जाएंगे, हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, और उनमें से सैकड़ों कंपनियां जो हैं अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, लेकिन रेगुलर जो अच्छा पे करती हैं, जिनका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी कम है, उस हिसाब से मिलीजुली कंपनियों को मैंने चयन किया है। और भी कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको मैंने सम्मिलित नहीं किया, बट लिस्ट बहुत लंबी हो जाती, मेरे ख्याल से 20-25 रखनी चाहिए, और पिछले जो मैंने डिविडेंड स्टॉक बताया था उनमें भी कुछ कंपनियां अलग बताई थी और इसमें भी शामिल हैं, तो इस वजह से ये 11 मुझे अभी वर्तमान समय के हिसाब से ठीक लगी कि काफ़ी गिरावट है, और इस गिरावट में अगर इन 11 कंपनियों में अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, या अगर हम सोचें कि हमें 10 वर्षों में 15 वर्षों में लगातार सिर्फ खरीदारी करनी है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके खाते में हर महीना कोई ना कोई कंपनी इतना डिविडेंड पे करती रहेगी जिस हिसाब से आपने उसकी उतनी क्वांटिटी बना रखी, या आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बटोर ली। धीरे धीरे यार पॉकेट मनी हो, चाहे आपकी जो है बिजनेस से पैसा आ रहा हो, चाहे आप सैलरीड हों, जो भी आपकी अमाउंट आ रही है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा आप अगर निवेश करते हैं सिस्टमेटिकली, तो ना सिर्फ जो है डिविडेंड के माध्यम से भी, अगर स्टॉक प्राइस भी कभी ऊपर गया और आपको ज़रूरत पड़ी कि कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, कभी आपको अचानक बीच में ज़रूरत पड़ गई, इमरजेंसी पड़ गई, तो आप स्टॉक को बेच भी सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सेफ ही है, सुरक्षित है पैसा। अब स्टॉक मार्केट पर थोड़ा भरोसा करना ही पड़ेगा, और जुए वाली स्थिति, जैसा कि ना तो मैं इंट्राडे के बारे में बताता हूँ, ना तो मैं कॉल एंड पुट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसमें सब लोगों के हाथ जल जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है। आप अपना काम धंधा छोड़ के स्क्रीन के सामने बैठे रहिए तो उससे अच्छा नहीं। आप अपना काम कीजिए और डिविडेंड को फोकस करते हुए आप निवेश कीजिए,
मुझे लगता है एक समय ऐसा आएगा कि आपको महीने की पॉकेट मनी या फिर इतना ज़्यादा पैसा आपके पास आने लगेगा, फिर आप उसको री इन्वेस्ट कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको इतनी बार मैं बताऊँ कि आपके दिमाग में भर जाए, रट जाए और आप जो है अच्छा पैसा शेयर मार्केट से बना सकें और कई लोगों को आप बता भी सकें। तो ज़रूर आप शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।